पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। जो वर्षा हुई है भद्रक के चांदवाली में 3 मिलीमीटर वर्षा एक ही जगह पे हुई है। मैक्सिमम हाईएस्ट तापमान जो है पारालेख मंडी में 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उसके अलावा भी कुछ कुछ स्थानों पर जो तापमान है अप्रिशिएबली राइज हुए हैं कल के मुकाबले अगर देखा जाए, और अभी जो है अबव नॉर्मल 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल चल रहे हैं ज्यादातर जगहों पर उड़ीसा में। भुवनेश्वर का अधिकतम तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कटक का 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और भुवनेश्वर में ट्रेस भी दर्ज की गई है, वर्षा 0.1 मिलीमीटर। ये तो कल का तापमान। अब सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो एक जो ट्रफ जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ से नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक तक रन की है वो अभी एक्सटेंड हो गई है। अभी वो इंटीरियर उड़ीसा से होती हुई उड़ीसा से लेकर ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी तक जो कि साउथ छत्तीसगढ़ तेलंगाना और कर्नाटका के मध्य से होती हुई जा रही है समुद्र तट से 9 किलोमीटर से। तो ये जो ट्रफ लाइन उड़ीसा के ऊपर से गुजर रही है इसकी वजह से आज जो है हमारा जो वेदर है उसकी वजह से एक दो स्थानों पे जो कोस्ट उड़ीसा उसके साथ में सटे हुए डिस्ट्रिक्ट जो है क्लाउडी वेदर रहने की संभावना है, हल्की वर्षा होने की संभावना है, जिसमें कोस्ट उड़ीसा पूरा साथ में सटे केंदुझर मयूरभंज अनुगुल ढेंकनाल बौद कंधमाल कराड़ी रायगढ़ कोरापुट ये सब डिस्ट्रिक्ट शामिल है। इसी का 14 और 15 तारीख को डे 2 और डे 3 में केंदुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक इन सब जगह में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रही है जिसके प्रभाव के से 16 तारीख को और 17 तारीख को पूरे उड़ीसा में हम लोग एक से हो सकता है एक से दो स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव की वजह से। 16 तारीख को हम लोग थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग एक दो स्थान पे हो सकती है उसके लिए येलो वार्निंग दी गई है। 16 तारीख को डे 4 में झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केंदुझर मयूरभंज में और 17 तारीख को सुंदरगढ़ केंदुझर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी है थंडरस्टॉर्म एक दो स्थान पे लाइटनिंग के साथ होने की संभावना की वजह से। उसके बाद डे 6 यानी कि 18 तारीख में भी जो हमारे इंटीरियर से कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहां पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। फिर से 19 तारीख को पूरे उड़ीसा पे आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया रेनफॉल का। अब बात करें तापमान की तो मैक्सिमम तापमान पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं हम गर्मी बढ़ रही थी, अभी ये अगले 24 घंटे में अभी भी जो है तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक राइज करेगा जो कि इंटीरियर उड़ीसा में कुछ कुछ स्थानों पे। उसके अलावा उसके बाद में जैसे कि मैंने बारिश आ रही है बादल आने की वजह से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कुछ ज्यादातर स्थानों पर उड़ीसा में जो तापमान है गिरने शुरू होंगे।